निकल गई आगे। अबे भाई साहब आर्मर 5 निकल गई आगे। पीएस पावर एंड 18 पीएस पावर दोनों का मुकाबला है आज। वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक आर्मर 5 है और एक उधर चल रही है करिश्मा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन, अनदर वीडियो अनदर ड्रैग। तो गाइस आज हम लोग लाए हैं बिल्कुल तड़कता भड़कता कंटेंट, XMR वर्सेस R15। R15 एक ऐसी बाइक है कि 1000 CC तक इसकी ड्रैग करी जा चुकी है, तो आज हम लोग करने वाले 210 CC के साथ हीरो करिश्मा XMR के साथ। तो R15 की पावर की बात करते हैं तो 155 CC के साथ 18 PS पावर एंड 14.6 Nm टॉर्क आता है, और इधर साइड XMR की बात करते हैं तो 25 PS पावर एंड 20 Nm टॉर्क आता है। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे गाइस, ये बिल्कुल बाप एंड बेटे का मुकाबला है, बिल्कुल बिल्कुल मज़ेदार। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्विक शिफ्टर मिलता है, VVA टेक्नोलॉजी मिलती है, बहुत कुछ मिलता है इसमें करिश्मा के सामने। तो गाइस अब हम चलाने जा रहे हैं R15 XMR का एग्जॉस्ट। सुन लीजिए, तो गाइस R15 का भी एग्जॉस्ट नोट सुनी लिया आप लोगों ने। और टायर की बात करते हैं तो भैया पीछे इसमें दिया गया होगा 130 या 140 का MT में, R15 में शायद 140 सेक्शन का पीछे वाला टायर है और इसमें दिया गया हुआ है 140, इसमें भी दिया गया। फ्रंट का इसमें भी 110 होगा, इसमें भी 110 है। नहीं, इसमें फ्रंट 100 दिया गया हुआ, इसमें भी 100 ही सेक्शन का टायर दोनों में दिया गया हुआ है। तो चलिए गाइस अभी VVA टेक्नोलॉजी जब 100 के बाद एक्टिवेट होगी, बूम। शिफ्टर का कमाल, शिफ्टिंग और करिश्मा आगे। करिश्मा भाई वाकई में बहुत पावरफुल है यार, करिश्मा का पावर की साथ देनी पड़ेगी गाइस। 20 PS पावर एंड 18 PS पावर दोनों का मुकाबला है आज। वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक R15 है और एक उधर चल रही है करिश्मा। क्या करिश्मा, कमाल कर पाएगी, धोती फाड़ के रुमाल कर पाएगी। इसी जो आजकल सबके धज्जे छुड़ाए हुए, तिरपन 152 153 के आसपास गई है। भैया आप मीटर पे कितनी ले गए?
वो ये 152-153 गई है, फिर भी आगे नहीं निकल पा रही। हाँ 150 ऐसे थोड़ी तुम्हें चलानी नहीं आती है, करिश्मा से हार गया, पता नहीं क्या अभी R15 कमेंट करेंगे फैन जीतने का। चलिए अब भैया चलाने जा रहे हैं R15 और मैं चलाने आ रहा हूँ करिश्मा, आप देखते हैं R15 का कमाल। चलिए गाइस पीछे हो गए यार अभी से ही भाई, एग्जमार वाकई में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, हम हल्का सा मौका देंगे भैया को। कंटिन्यूस भैया बहुत तेजी से मेरी तरफ आते हुए, भैया बहुत खुश। फिर भैया को मौका देते हैं, क्या करता है तू, जानबूझ के कर रहा है यार। ये देखो गाइस R15 ये रही एक समान, ये रही R15 ये रही एक समान। पहली बार लिमिटर आया एग्जाम आर में आज, आगे 152-153 भाई लिमिटर दे रही है एक समान। भैया भाई R15 प्रो राइडर भैया निकाल दी यार, R15 भैया निकाल दी बे, अबे R15 निकल गई आगे, अबे भाई साहब R15 निकल गई आगे। पूरा हो गया गाइस 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 गाइस, इसके लिमिटर ने धोखा दे दिया और R15 जीत गई गाइस। भाई मैंने
बार भैया का मौका दिया। बहुत बार एग्जाम आगे निकल ली थी पर एकदम से लिमिटर आ गया भैया, लिमिटर। हरा दिया ना तुमको, हरा दिया, इसमें लिमिटर आ गया इसलिए जीत गए अब। पर भैया कितने पे थे? क्या मेरे बगल में थे तो कितने पे थे? ये 147 ही पे थी। हाँ बस एक बार लिमिटर मारा था तो ये 142 आ गई थी बस। पर भैया एक चीज है, एग्जामार में पावर है इनिशियल में, हैं? शुरुआत में थ्रॉटल छोड़ा, ओवर कॉन्फिडेंस में आए इसकी वजह से तुम हार गए। पर भैया एग्जामार में पावर है, देखिए एग्जामार में भैया टॉप एंड तक पावर है बट लिमिटर की वजह से थोड़ा सा पीछे हो जाती। भैया इसका मिड बहुत अच्छा है, इनिशियल बहुत अच्छा है, R15 को इनिशियल और मिड में पीछा कर देती है। बाकी मैंने भैया को एक दो बार मौका दिया, फिर उसके बाद भैया इसके लिमिटर ने मतलब समझ लो भाई, पर फिर भी गाड़ी बुराई करने लायक नहीं, बहुत चौकस गाड़ी है। फिर भी भाई यार इसके लिमिटर ने इतना गिर कर दिया कि R15 आगे निकल गई। तो गाइस भैया चला रहे थे R15 आखिरकार, भैया का 75 वेट है, 75 के 80 के आसपास, मैं यहाँ 65 के आसपास, 66 के आसपास वेट है, वेट भी ज़्यादा था, फिर भी R15 को जिता दिया। तो गाइस R15 है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। ऐसे हॉट कंटेंट देख के जाइए और कमेंट करते जाइए। बाय बाय गाइस।